દિલ્હીની સૌથી હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠક નવી દિલ્હીથી સુષ્મા સ્વરાજની પુત્રી બાંસુરી સ્વરાજની શાનદાર જીત થઈ છે। બાંસુરી સ્વરાજ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સોમનાથ ભારતીને હરાવ્યા છે। આપે નવી દિલ્હી મતવિસ્તાર માટે 3 વખત દિલ્હીના ધારાસભ્ય રહેલા સોમનાથ ભારતીને ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા। उत्तर प्रदेश ने कन्नौज लोकसभा बैठक की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की शानदार जीत थी। अखिलेश यादव भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने हराया। बीजी तरफ मैनपुरी बैठक थी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पण जीत मेळवी। डिम्पल यादव भाजपा उम्मीदवार जयवीर सिंह ने हराया। डिम्पल यादव 2 लाख की वधु मतों की भाजपा उम्मीदवार ने हराया। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा बैठक पर एनसीपी उम्मीदवार और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले की जीत थी। सुप्रिया सुले पोतानी भाभी और नायब मुख्य प्रधान अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने हराया। बारामती लोकसभा की बैठक पर पहली वक्त पवार परिवार सामसामे चूंटणी लड़ता देश की सौथी हॉट सीट बनी थी। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर टीएमसी ना युसुफ पठाणे जीत मेळवी छे। आ बैठक पर कांग्रेस ना अधीर रंजन चौधरी नो पराजय थयो। युसुफ पठाण बहरामपुर सीट पर कांग्रेस ना नेता अधीर रंजन चौधरी सामे चूंटणी लड़ी रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने अहीं हार नो सामनो करवो पड्यो। युसुफ पठाणे अधीर रंजन ने 6,27,078 मतों थी हराव्या। युसुफ पठाण ने 4.19 लाख वोट मळ्या छे। कर्नाटकना हासन में कांग्रेस की जीत थी। भाजप जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना कांग्रेस श्रेयस पटेल तरफ थी पराजय मळ्यो। कांग्रेस से 2 दायका बाद हासन की बैठक पर जमाव्यो कब्जो। रेवन्ना यौन शोषण रैकेट में से आरोपी। हवामान विभाग ने आगाही मुजब आज दक्षिण गुजरात में वरसाद की शक्यता। वलसाड़ तापी दमण दादरा नगर हवेली में सामान्य वरसाद पड़े।